ठीक है जी। सबसे पहले तीन चार डेफिनेशन जो है छोटी छोटी वो नोट करें। सबसे पहले पार्टिकल, पार्टिकल पार्टिकल में है। अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट। अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट। अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट, हुज मास इज फाइनाइट, इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट बट हुज साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड, बट हुज साइज एंड इंटरनल साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। ये तो पार्टिकल हो गया। चार डेफिनेशंस हैं, पहले ये नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ। अगला है सिस्टम। सिस्टम सिस्टम इज अ कलेक्शन, गुड इवनिंग, सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर, विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर। विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर। सिस्टम के बाद अगला लिखेंगे इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस द म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम ऑन वन अनदर आर कॉल्ड, ऑन वन अनदर आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। ऑन वन अनदर आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। उसके बाद अगला नोट करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में लिखेंगे द आउटसाइड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, द आउटसाइड फोर्स, द आउटसाइड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट,
The outside force exerted on an object by an external agency is called an external force. By कुछ भी नहीं, by an external, व्यास पंखा चला दे यहाँ का, पंखा चला दे, पंखा चला दे और चार्जर लगा दे. The outside force exerted on an object by an external agency is called an external force. Is called an external force. Such a force changes the velocity of an object. Such a force changes the velocity of an object. ठीक है, ये चार डेफिनेशन हैं. देखिए अभी तक मैंने कुछ भी इसमें समझाया नहीं है. अब आप एक चीज देखिएगा, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जब यहाँ पर हम पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे एंड रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि भाई छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स मिले और बहुत सारे पार्टिकल्स ने मिलकर एक सिस्टम बना दिया. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक बॉल की बात करते हैं, तो हमारे हमारी जो बॉल है वो रबर की बॉल है अगर मान लीजिए, तो रबर की बॉल में रबर के छोटे 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 पार्टिकल्स जो हैं वो कंबाइन कर गए, कंबाइन करके उन्होंने एक बॉल बना दी. ठीक है, तो वो जो बहुत सारे पार्टिकल्स मिले, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर उन्होंने एक पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया. ठीक है, उसको हम सिस्टम बोल देते हैं. तो वही चीज है, अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट. इसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसका मास तो फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब मास की कुछ वैल्यू है, लेकिन जो उसका अंदर का स्ट्रक्चर है, जो उसका साइज है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे साइज का होता है. ठीक उसके बाद अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर. इंटरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट का मतलब ये है कि आपस में टकराते रहते हैं. ठीक है, म्यूचुअल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, वही चीज है कि बहुत सारे पार्टिकल्स को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया, तो उसको सिस्टम बोल देते हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरनल फोर्सेस की. द म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम ऑन वन अनदर आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस. वो जो म्यूचुअल फोर्सेस हैं, वो म्यूचुअल फोर्सेस अट्रैक्शन की भी हो सकती हैं, रिपल्शन की भी हो सकती हैं. ठीक, तो पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं. तो जब वो आपस में टकराते रहते हैं, तो टकराने की वजह से जो फोर्सेज होती हैं, जो इंटरनल फोर्सेज बोलते हैं हम उनको, एक्सटर्नल फोर्सेज जो हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए मैंने बोला कि छोटे छोटे रबर के पार्टिकल से मिलकर एक पूरी बॉल बन गई, तो बॉल क्या है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है. बॉल पर मैंने, बॉल को मैंने पुश कर दिया आगे की तरफ, उसको पुश कर दिया. इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है, ये बॉल के अंदर से निकल के नहीं आई, ये वो फोर्स है जो एक एक्सटर्नल एजेंसी ने उस पर अप्लाई करी है. एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, मैं, क्योंकि मैंने उसको पुश करा है. ठीक है, तो अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है. ठीक है, सच अ फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक भाई, पहले अगर हमने कहा कि बॉल रेस्ट में रखी हुई थी और अब हमने उसको मोशन में लेकर आ गए हम उसको पुश करके, तो इसका मतलब हमने उसकी वेलोसिटी को चेंज ही कर दिया ना. समझ गए? हाँ, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? ये चारों डेफिनेशन अभी बिल्कुल बेसिक है, बस जस्ट स्टार्ट ही करवाया. यस सर, क्लियर. ठीक है, चलिए जी आगे चल रहा हूं फिर मैं. अगला जो है डेफिनेशन वो है सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास, इसमें नोट करें, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट The center of mass of a body is a point. The center of mass of a body is a point where the whole mass of the body is supposed
where the whole mass of a body is supposed to be concentrated, where the whole mass of a body is supposed to be concentrated for describing its translatory motion, for describing its translatory motion. तो क्या होता है कि जो मान लीजिए हमने ये कहा कि एक बॉल है, ऐसे एक बॉल है, इस बॉल में रबर की बॉल है, कहीं पर तो रबर बड़ी हैवी लगी हुई है, कहीं पर रबर बड़ी हल्की लगी हुई है, मतलब कहीं तो डेंसिटी ज्यादा है, कहीं डेंसिटी कम है। मान लीजिए यहाँ पर तो रबर की डेंसिटी काफी हायर है, यहाँ बीच में जो है डेंसिटी बहुत कम है, और जो ये वाला एरिया इस तरफ डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। तो हम इस बॉल को कैसे भी रखेंगे तो ये बॉल जो है ना वो इस तरफ को मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पर उसका वेट ज्यादा होगा, जहां पर उसका मास हैवियर होगा, वो उस तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन जब हम पूरे के पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भले ही वो कहीं पर हैवी हो, भले ही वो कहीं पर ज्यादा हल्की हो, हम ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकाला जाएगा, जहां पर सारा का सारा मास, ये सपोज किया जाएगा कि जहां पर उस ऑब्जेक्ट का सारा मास कंसेंट्रेटेड है, उसको हम बोल देंगे कि वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास को एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से जो समझने वाली चीज है वो एक हैमर का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए हैमर का, सर सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी बॉडीज का होता है, मूविंग बॉडीज का? किसी का भी कैसी भी बॉडी, वो बॉडी का होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अब एग्जांपल ऑफ अ हैमर, हम हैमर की बात कर रहे हैं, वो जो शक्तिमान घूमता था ना, देखा किसी ने शक्तिमान, वो शक्तिमान घूमता था, वो अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमता था। खैर अभी वो एग्जाम्पल्स बाद में लेंगे, जरा रोटेशनल मोशन स्टार्ट होने दो ढंग से। तो एग्जाम्पल ऑफ अ हैमर, हैमर में ऐसा है कि ठीक है, तो ये हैमर है। अब इसमें हम ये खूब अच्छे से जानते हैं कि ये तो वुड का बना रहता है जो इसका हैंडल होता है, ठीक है, और ये जो है ये आयरन का होता है या किसी भी हैवी मेटल का होता है। तो क्या मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास को हम ये बोलते हैं कि जहां पर सारा का सारा मास जो है वो एक जगह कंसंट्रेटेड हो, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं। आप इस हैमर को कैसे भी, जैसा आपका मन करे, आप इसको किसी भी तरीके से फेंक दो, घुमा दो, कैसा भी कर दो, लेकिन जब ये घूमना शुरू करेगा ना, जब ये फ्री मोशन में आएगा तो ये इस तरह से घूमेगा, ऐसे घूमना शुरू करेगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन फिक्स रहेगा, ठीक है। आप क्या करिए, आप इसको लो और लेकर पूरी तेज आप इसको घुमा दो, ठीक है। तो पूरी तेज आप घुमाएंगे तो क्या ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, बिल्कुल वो एक ही तरह से घूमेगा। आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सिंपल रॉड है, इस रॉड को मैंने इधर भी और इधर भी मैंने बराबर फोर्स लगाई, तो ये वाला पोर्शन भी ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, मतलब ये इस तरीके से इसका मोशन होगा, ये रॉड इस तरीके से घूमेगी, इसका ये पोर्शन भी घूमेगा, इसका ये पोर्शन भी घूमेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं हैमर की, हमने हैमर को घुमाने की कोशिश करी, तो इसका ये जो ये वाला पोर्शन है ना, जो आयरन वाला पोर्शन है, जो हैवी वाला पोर्शन है, हैवी वाला पोर्शन विल रिमेन फिक्स्ड, ये फिक्स रहेगा, और ये जो लकड़ी वाला पोर्शन है, वुड वाला, ये घूमना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास हमेशा स्टेशनरी रहता है रोटेशनल मोशन में। सेंटर ऑफ मास, इसका सारा का सारा मास कहाँ कंसेंट्रेटेड है?
इसके सेंटर में, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला पोर्शन इसका स्टेडी रहेगा और ये घूमना शुरू कर देगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जहां पर भी है, सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास कभी भी रोटेट नहीं करता, वो फिक्स रहता है। इट एक्ट्स लाइक अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरह वो एक्ट करेगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। विजना, दिवस, नित्या, पार्थ बताइए। यस सर। चलिए जी, आगे चलता हूं फिर मैं। इसमें नोट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, इसमें हैमर में लिखवाने वाला कुछ नहीं है, तो इस वजह से मैं बस इसका डायग्राम बनाकर छोड़ दिया। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, एक बार देख लेना। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, इसमें लिखें कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हाँ रख दो। Consider a system of two particles P1 and P2. Consider a system of two particles P1 and P2 of masses M1 and M2 respectively. P1 and P2 of masses M1 and M2 respectively. Full stop. Let R1 and R2 be their position vectors with respect to origin. R1 vector and R2 vector be their position vectors with respect to origin. Be their position vectors with respect to origin. ठीक है, अब डायग्राम बनाएंगे। y एक्सेस है इधर और इधर x एक्सेस है, ये ओरिजिन हो गया और इधर रखा मैंने पार्टिकल को, लोकेट करा पार्टिकल P1 को, इधर लोकेट करा और पार्टिकल P2 को इधर लोकेट करा। ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। अब P1 का मास M1 और P2 का मास M2, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा और इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा। तो ओरिजिन से जब हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लेंथ होती है, वो जो डिस्टेंस होता है, उसको डिस्टेंस वेक्टर बोल देते हैं। तो P1 का डिस्टेंस वेक्टर क्या दे रखा है? R1 वेक्टर। P2 का डिस्टेंस वेक्टर क्या दे रखा है? R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? इसमें सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है कि ये जो P1 और P2 है, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, जो जो दो पार्टिकल्स हैं
वो दो पार्टिकल्स एक अच्छी खासी दूरी पर है, एक पार्टिकल इधर है एक पार्टिकल इधर है, दोनों को ज्वाइन कर दिया और इन दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ कंबाइंड हों, जुड़े हुए हों, पार्टिकल्स दूर भी हो सकते हैं। तो अगर पार्टिकल्स थोड़ा दूरी पर हैं तो हम ये कहेंगे कि उनको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और जो उनका मिड पॉइंट होगा वही कहलाएगा उनका सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैंने ऐसे ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को बोलेंगे सी, सी इज फॉर सेंटर ऑफ मास और यहां लिख देंगे आर सी एम और इसके ऊपर वेक्टर। आर क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोजिशन वैक्टर। ठीक, और जब हम ये कह देते हैं कि जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये कहलाते हैं आपके डिस्टेंस वेक्टर, जो डिस्टेंस होता है। ठीक, अच्छा उसके बाद हम ये बोलेंगे द पोजिशन वेक्टर आर सी एम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय द पोजिशन वैक्टर आर सी एम ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम इज ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाई इसको करने का तरीका होता है कि M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, ये कुछ कुछ ऐसा है जैसा सेक्शन फॉर्मूला था ना उसके जैसा है कि M1 इसका मास है और R1 वेक्टर इसका वेक्टर, तो मास इंटू जो उसका वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे इसका मास और इसका जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई दोनों का मास m1 प्लस m2, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया, इससे पोजीशन पता चल जाएगी इसकी। सभी को क्लियर है इतना, बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलिए एक मिनट वेट करिए बेटा, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। The position vector of a the position vector of a system of particles is the weighted average of the position vectors is the weighted average of the position vectors of the particles, making that system. वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा, आपने जो इसका पोजीशन वेक्टर है पोजीशन वेक्टर के साथ में पहले वाले का वेट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और दूसरे के पोजीशन वेक्टर के साथ दूसरे वाले का वेट मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय टोटल वेट, वेट मतलब मास हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। अब आप ये देखिएगा
कि यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है। आप ये देखो कि जब मैं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर कह रहा हूं, तो इसमें हो सकता है m1 m2 से बड़ा हो सकता है m1 m2 से बड़ा हो, दोनों वेट बराबर ना हो, अलग अलग मासेस हो दोनों के। तो हम ये कहेंगे कि उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये सेंटर ऑफ मास है ये थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हमने ये कहा था कि ये हैमर था, और हैमर में हमने ये देखा कि हैमर में जो भारी वाला पोर्शन है वो इधर है, तो हैवी वेट जो है वो सारा का सारा इस तरफ कंसंट्रेटेड है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास इधर लोकेट करता है, ठीक। क्योंकि इस मास के, ये जो लोहे का जो टुकड़ा होता है इस मास के सामने, ये वाला जो लेंथ है, ये जो वुडन पोर्शन है, इसका जो वेट है वो लगभग लगभग ना के बराबर ही होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो सेंटर ऑफ मास हैवी वाला जो पोर्शन होता है मास का, उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने ये कहा कि ये जो है, अगर मास m1 ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और मास m2 ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। नहीं समझे? हम ये कहेंगे कि जो भी मास ज्यादा है, जो भी पोर्शन हैवी है, जैसे यहाँ पर इस सिस्टम में केवल और केवल दो ही पार्टिकल्स हैं और कुछ है ही नहीं, एक पार्टिकल ये है P1, एक पार्टिकल है ये है P2। तो अगर P1 का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास P1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर P2 का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला केस जो है वो, तो हमने जो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा वो ये है कि सेंटर ऑफ मास वेटेड एवरेज होता है जितने भी मासेज हैं उनका, उनके पोजिशन वैक्टर्स का वेटेड एवरेज होता है, समझ गए। यहाँ पर ये है कि हम दो का समझेंगे और दो से n पार्टिकल्स के कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। कैसे? आप ये देखो कि दो का इस तरीके से निकाला जाता है सेंटर ऑफ मास, तो अगर मान लो चार हो या पांच हो, तो हम क्या करेंगे, m3 r3 प्लस m4 r4 प्लस m5 r, हाँ सिग्मा लग जाएगा, और डिनोमिनेटर में सारे के सारे मासेज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सेकेंड पॉइंट नोट करें, r इज फॉर पोजिशन वेक्टर एंड cm इज फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर ये, मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट करेगा, पोजिशन वेक्टर मतलब उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, समझ गए। स्मॉल r पोजिशन वेक्टर हो गया इसका मास m1 का, और स्मॉल r2 पोजिशन वेक्टर हो गया मास m2 का। पोजिशन वेक्टर निकालने का तरीका ये है कि ओरिजिन से आप कितनी दूरी पर हो, ओरिजिन से आप कितनी दूरी पर लोकेटेड हो, बस वो आपका पोजिशन वेक्टर, ठीक। सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे इसमें कि देखिए, वी कैन राइट, इक्वेशन वन को कैसे लिखा जा सकता है, M1 प्लस M2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, M1 प्लस M2 इंटू आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वैक्टर प्लस M2 R2 वैक्टर, M1 R1 वैक्टर प्लस M2 R2 वैक्टर, ये है। तो यहां पर हम ये कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दस द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास, द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ, एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द इज इक्वल टू द सम ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मासेस, ऑफ इंडिविजुअल मासेस एंड ऑफ इंडिविजुअल मासेस एंड देयर रिस्पेक्टिव
पोजिशन वैक्टर्स। सारे के सारे सिस्टम्स का मास एक जगह इकट्ठा कर लो, m1 m2 m3 m4 जितना भी है वो सबको इकट्ठा कर लो, उन सबको आप पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो दैट विल बी इक्वल टू m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 लाइक दिस। ठीक है, ये सेकंड इसमें था। सेकंड के बाद में थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट में लिखिएगा इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, इफ m1 is equal to m2 is equal to m, ब्रैकेट में लिख रहा हूं सही कि ऐसा हमने माना, if m1 is equal to m2 is equal to m, then RCM vector then RCM vector is equal to R1 vector plus R2 vector by 2, समझ गए होंगे? कैसे? भाई ये क्या हो जाएगा MR1 vector, ये क्या हो जाएगा MR2 vector, और नीचे M plus M क्या हो जाएगा 2M, तो M से M cancel out हो जाएगा। ठीक है, R1 vector plus R2 vector by 2, इसका मतलब center of mass of two equal masses, that is center of mass that is center of mass of two equal masses lies exactly at the center of the line, lies exactly at the lies exactly at the center of the line joining the two masses. Joining the two masses. Joining the two masses. उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट इसमें नोट करें, फोर्थ पॉइंट है इफ x1 y1 एंड x2 y2 इफ x1 y1 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकेशंस ऑफ टू पार्टिकल्स, आर द coordinates of the locations of two particles, क्योंकि मैं अभी two particles की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि मान लीजिए ये point P1 है, particle P1 है, इसका location मान लो x1, y1 है, और P2 है, इसका location मान लो coordinates दे रखे हैं x2, y2, अगर ये दे रखा है और आपसे ये कहा जाए कि भाई ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास भी तो टू डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है, टू डायमेंशंस क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये टू डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ मास बताएं क्या है और वर्टिकल सेंटर ऑफ मास बताएं क्या है, तो एक्स एक्सिस वाला जो है मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ मास xCM क्या हो जाएगा, xCM कुछ भी अंतर नहीं है, बस जैसे यहां पर m1 r1 है तो m1 x1 हो जाएगा और वहां पर m1 x2 हो जाएगा, m2 x2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन m1 + m2, तो m1 x1 + m2 x2 xcm m1 x1 क्या कह रहे हो, कोऑर्डिनेट्स दिए क्यों हैं, अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तब हमसे अगर ये पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ सेंटर ऑफ मास का और वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, तो उस चीज के लिए ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि x का मतलब तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि ये वाला आप पॉइंट बताइए, ये x में कितना x में ओरिजिन से x में कितनी दूरी होगी,
ये xcm, xcm क्या होगा, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। इसी तरीके से के सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है, यहां से ओरिजिन से इसकी हाइट कितनी है यहां से यहां तक, तो वो हाइट कितनी होगी, m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2। ये है upon m1 plus m2। ठीक है, इधर नोट कर रहा हूं YCN, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें हमको क्या करना है कि अगर मान लीजिए हमसे ये बोला जाए कि अगर दोनों पार्टिकल्स हैं, हम टू पार्टिकल सिस्टम देख रहे हैं, अगर दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर है, मान लो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से जैसे आपने दोनों पोजिशन वैक्टर्स का एवरेज निकाल दिया हो, आर वन प्लस आर टू बाई टू। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको ये बोला जाए कि हमको दो पार्टिकल्स जो हैं उन दो पार्टिकल्स की पोजिशन दे रखी है, क्या कोऑर्डिनेट्स उनके दे रखे हैं, एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स टू कॉमा वाई टू, और हमसे ये कहा जाए कि आप उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बताएं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का मतलब यही तो है कि x की वैल्यू बताओ सेंटर ऑफ मास की और y की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, ठीक, ऐसी इसी तरह से y की वैल्यू m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2, तो ये एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, ऐसी ये एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, तो ये जो आएगा ना ये क्या आएगा, यहां c के ब्रैकेट में आप आगे लिख लें xcm कॉमा ycm, ये एक वैल्यू आएगी, जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तो इसके कोऑर्डिनेट xcm कॉमा ycm व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, xcm और ycm इस तरह से कैलकुलेट करे जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को यहां तक क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टू पार्टिकल सिस्टम में बताइए पार्थ। नो सर। पार्थ मेरी आवाज आ रही है? पार्थ ऑफलाइन आना शुरू करो, तुमको मैंने बोला था। उसके बाद सीधा सीधा ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, तो उसमें क्या करना है, उसमें इसी से हेल्प लेनी है हमको। ठीक है, तो बस नोट कर लीजिए आप, बाकी डायग्राम वगैरह बनाने की कोई ऐसा जिसमें जरूरत है नहीं, आप समझ ही जाएंगे कि भाई दो पार्टिकल्स से दो की जगह आपको एन पार्टिकल्स लगा देने। और दो पार्टिकल का सिस्टम होता भी नहीं है, ठीक, ज्यादातर एन पार्टिकल सिस्टम ही होते हैं, और एन कितना होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, छोटे छोटे न जाने कितने इनफाइनाइट पार्टिकल्स से मिलकर कोई चीज बनती है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर लिखे हैं, हेडिंग डालें सेंटर ऑफ मास center of mass of n particle system, center of mass of n particle system, इसमें RCM vector ये क्या हो जाएगा, m1 r1 vector plus m2 r2 vector, ऐसे करते करते mn rn vector अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट 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 टिल एम एन, टिल एम एन, और इसको क्या लिखा जा सकता है देखिए, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा आप बोल देते हैं, आई इज इक्वल टू वन टू स्मॉल एन 1 to n mi ri vector
अपॉन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर तो एम आई की वैल्यू पहले वन डाली, तो एम वन आर वन वैक्टर, और समेशन का मतलब क्या है कि बीच में एडिशन का साइन आएगा, प्लस एम टू आर टू वैक्टर प्लस एम थ्री आर थ्री वैक्टर, ऐसे करते करते एम एन आर एन वैक्टर तक जाएंगे हम। डिनोमिनेटर में समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई, एम आई मतलब एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये ठीक। अच्छा, इस पूरे को हम ये भी बोल सकते हैं कैपिटल एम, मतलब मास ऑफ द सिस्टम, आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई वैक्टर अपॉन कैपिटल एम, अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, इसके बाद कैपिटल एम पूरे सिस्टम का मास, ठीक है ना, सारे के सारे पार्टिकल्स का मास हमने ऐड कर दिया तो सिस्टम का मास आ गया। नोट कर लीजिए, वेयर where capital M is mass of the entire system, mass of the entire system, capital M हमारा पूरे के पूरे system का mass हो गया। उसके बाद note करें momentum conservation and center of mass motion, momentum conservation नेक्स्ट टॉपिक है, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, एंड सेंटर ऑफ मास मोशन इसमें नोट करेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास मोशन के, सेंटर ऑफ मास जो है वो किस तरीके से मोशन में आता है। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस बॉडी के अंदर ही तो लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन है कोई, ये हमारे पास कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, और इस मोबाइल फोन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, हमने इस मोबाइल फोन को यहाँ से यहाँ खिसका दिया थोड़ा सा, तो जब हम इसको शिफ्ट करा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी तो है कि इसका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास का भी मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन किस तरह से होगा और मोमेंटम कंजर्वेशन का उससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो नोट करें आप, क्या कौन सी वाली साइड, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, एक मिनट सुनिए, तो डिपेंड करेगा ना मोबाइल फोन पर, डिपेंड करेगा वो तो मोबाइल फोन पर डिपेंड करेगा। देखो ऐसा होता है, सुनो, हम ये कहते हैं मोबाइल फोन का तो वेट सारा का सारा एक जैसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि किसी जगह से ज्यादा हैवी है किसी जगह से कम हैवी है। वो कैसे देख सकते हो आप, वो ऐसे देख सकते हो कि मोबाइल फोन रखो, मोबाइल फोन को टेबल पर रखकर ऐसे घुमा दो, तो वो अपना उसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, वो ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी चीज है, मान लो कि जैसे पहले मोबाइल फोन होते थे जिनका यहाँ पर बटन वगैरह लगे रहते थे, ऐसे बटन लगे रहते थे जिनमें, तो उसमें क्या होता था कि उसमें जो बटन वाला पोर्शन है, ये बटन वाला पोर्शन थोड़ा हैवी होता था, ठीक, उसको ऐसे अगर घुमाते थे तो ये बटन वाला पोर्शन आपको लगभग लगभग फिक्स दिखाई देता था, ये ज्यादा तेजी से घूमता था, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि ये सेंटर है और इस सेंटर के चारों तरफ ये मोबाइल इस तरीके से घूम रहा है, जैसे कि हमने हैमर की बात करी, ऐसा थोड़ी है कि जितनी स्पीड से लकड़ी घूमेगी उतनी स्पीड से हैमर भी घूमेगा, हैमर का जो लोहे वाला टुकड़ा है वो वहीं रह जाएगा, वो घूमना शुरू, जगह नहीं बचेगी और कम घूमेगा, वो कम घूमेगा अपने वेट की वजह से, ठीक है। नोट करें अब इसमें आप, सपोज सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एफ टोटल, सपोज
सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एफ टोटल, टोटल को टोट लिख देते हैं बस, एफ टोटल एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ मास कैपिटल एम acts on a system of mass capital M and produces an acceleration and produces an acceleration ACM in its center of mass. ACM in its center of mass, then F total M into ACM, ये हो गया. हम जानते हैं ना कि फोर्स क्या होता है, मास into acceleration. In the absence of any external force, in the absence of any external force, कि आप ये सोचोगे अगर हमने external कोई force लगाई ही नहीं तो इसका मतलब हमारी जो external force है वो zero हो गई, है ना. ये external force है जो हम बाहर से लगा रहे हैं किसी भी system पर. तो हमने ये कहा इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो एफ टोटल है ये जीरो हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, एम एसीएम वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो दो चीज यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हैं. ये जो एसीएम है ना, ये एसीएम का मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है. ठीक है, और मास क्या है कि उस पूरे के पूरे सिस्टम का मास. ठीक, तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन जब जीरो के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों में से कोई एक चीज तो जीरो होगी, है ना. मास तो जीरो नहीं हो सकता तो एक्सेलरेशन ही जीरो होगा. तो हम ये कहेंगे सिंस एम कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो तो एक्सेलरेशन जो है यही जीरो के बराबर हो जाएगा. और जब एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होगा तो हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव. एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पीसीएम वेक्टर अपॉन डीटी, समझ गए भाई, डीवी बाई डी टी तो होता है एक्सेलरेशन. अब मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का. ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो. किसी भी टर्म का डिफरेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट का ही डिफरेंशियल जीरो होता है. इट इम्प्लाइज दैट वी सी एम वैक्टर इज कॉन्स्टेंट. VCM वेक्टर ये जो है ये कांस्टेंट होगा. हेंस इन द एब्सेंस ऑफ, नोट करें, हेंस हेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स हेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स the center of mass of a system, the center of mass of a system moves with uniform velocity, moves with uniform velocity. क्योंकि velocity constant आ रही है, इसका मतलब इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो.
ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन का, सेंटर ऑफ मास का मोशन। मोशन किस तरीके से होगा कि अगर हमने एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाई है तो उसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। मोमेंटम कंजर्वेशन नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए।